विदिशा की पठारी में लगा निशुल्क नेत्र शिविर 280 मरीजों ने लिया लाभ। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा की पठारी ग्राम पंचायत में सदगुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर एवं ग्राम पंचायत के तत्वावधान में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश पंथी के द्वारा किया गया। इस शिविर में 280 मरीजों की जांच की गई, जिनमें 75 मरीजों को चश्मा एवं 38 मरीजों को ऑपरेशन के ले जाया गया। सदगुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर से आए डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर लखन शर्मा, देवेंद्र योगी, रणधीर सिंह, पवन बोई, नीलम जादव, समाज सेवी सुनील पिंगले, आकाश शर्मा की टीम ने मरीजों की आंखों का परीक्षण किया, जिनमें 38 मरीजों को मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई, जिन्हें ऑपरेशन हेतु बस से आनंदपुर ले जाया गया एवं अन्य रोगियों को परीक्षण अनुसार दवा और चश्मे वितरित किए गए। इस दौरान कैंप को पठारी क्षेत्र में सर्वप्रथम आनंदपुर ट्रस्ट को लाने वाले स्वर्गीय कादिर खां मौलाना के परिवारजनों का साल श्रीफल के साथ स्वागत किया गया। सम्मान सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश पंथी, उप सरपंच प्रतिनिधि सहित अन्य कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। शांति से बैठ जाएगा, 5 मिनट का कार्यक्रम रहेगा, इसके बाद फिर पुनः राज्य चालू हो जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज सदगुरु नेत्र का जो शिविर लगाया गया है ग्राम पंचायत पठारी में लगाया गया है, और उसमें निःशुल्क जो जांच है, ऑपरेशन है, और किफायती दर पे चश्मे वगैरह और वृक्षारोपण लेंस आदि, ये जो कार्य है, इसकी जो नींव है ग्राम पंचायत पठारी की, अगर बात की जाए, क्षेत्र की बात की जाए, तो हमारे बीच में शुगर का बुक्की है, मानो कम हो गई। हाँ।